हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का 10th वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी कोई यूजर अकाउंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस फाइल या डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन क्या सेट होती है, यह इस वीडियो में हम सीखेंगे। जब भी कोई यूजर अकाउंट कोई फाइल क्रिएट करता है तब सिस्टम उसकी इनिशियल परमिशंस को डिटरमाइन कैसे करता है, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। इनिशियल परमिशन डिटरमाइन करने के लिए यूमास वैल्यू का यूज किया जाता है। यूमास वैल्यू ये स्पेसिफाई करती है कि कौन सी परमिशन सेट होगी और कौन सी परमिशन सेट नहीं होगी। जैसे रेडेट लिनक्स 7 और सेंटोस में रूट यूजर अकाउंट के लिए यूमास वैल्यू होती है 022 और नॉन रूट यूजर अकाउंट के लिए यूमास वैल्यू होती है 002। यूमास वैल्यू चेक करने के लिए आप यूमास कमांड का यूज कर सकते हैं टर्मिनल में। तो इनिशियल परमिशन डिटरमाइन करने के लिए या डिफॉल्ट परमिशन डिटरमाइन करने के लिए किसी फाइल और डायरेक्टरी की बेस वैल्यू में से यूमास वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो उस फाइल परमिशन, उस फाइल या डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन होती है। जैसे डिफॉल्ट परमिशन ऑन ए फाइल और डायरेक्टरी, किसी फाइल पर किसी फाइल की बेस वैल्यू होती है 666666 और डायरेक्टरी की होती है 777। यूमास वैल्यू होती है रूट यूजर के लिए 022, नॉन रूट यूजर के लिए होती है 002। जैसे अगर कोई रूट यूजर अकाउंट कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी उस फाइल या डायरेक्टरी पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल के लिए डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है वो चेक कर लेते हैं। तो बेस वैल्यू होती है फाइल की 666 और रूट यूजर की यूमास वैल्यू होती है 022। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन चेक करने के लिए हम उसकी बेस वैल्यू में से यूमास वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पर बेस वैल्यू है 666 और यूमास वैल्यू होती है, यूमास वैल्यू है 022 जो रूट यूजर के लिए होती है, ठीक है। तो 666 में से 022 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उसका जो फाइनल उसका जो रिजल्ट आ रहा है 644, ये उस फाइल के लिए डिफॉल्ट परमिशन होगी। यानी जब कोई रूट यूजर अकाउंट कोई फाइल क्रिएट करता है तो उस फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन होती है 644, यानी कि उस फाइल का ओनर को रीड एंड राइट की परमिशन असाइन होती है और ग्रुप और अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन असाइन होती है। उसी तरह डायरेक्टरी की बेस वैल्यू होती है 777 और यूमास वैल्यू होती है रूट यूजर के लिए 022, ठीक है। तो उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन आती है वो आएगी 777 में से 022 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उसकी जो वैल्यू आ रही है फाइनल वैल्यू वो आ रही है 755, ठीक है। तो 755 उस डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन होगी। एंड जब भी कोई रूट यूजर अकाउंट कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन होती है 755, यानी ओनर को फुल परमिशन असाइन होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट और ग्रुप और अदर यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होती है उस डायरेक्टरी पर। उसी तरह हम नॉन रूट यूजर के लिए भी किसी फाइल या डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है वो चेक कर लेते हैं। बेस वैल्यू होती है फाइल की 666 और यूमास वैल्यू होती है नॉन रूट यूजर के लिए 002, तो डिफॉल्ट परमिशन आएगी 664, ठीक है। तो यानी जब भी कोई नॉन रूट यूजर अकाउंट कोई फाइल क्रिएट करता है तो उस फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन सेट होती है 664, यानी ओनर और ग्रुप को रीड एंड राइट की परमिशन और अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन असाइन होती है। उसी तरह डायरेक्टरी की बेस वैल्यू होती है 777 और यूमास वैल्यू होती है नॉन रूट यूजर के अकाउंट के लिए 002, ठीक है। तो डायरेक्टरी के लिए डिफॉल्ट परमिशन होगी 775
अगर जब भी कोई नॉन रूट यूजर अकाउंट कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन सेट होती है 775 यानी ओनर और ग्रुप को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होती है और अदर यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होती है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं सबसे पहले रूट यूजर अकाउंट से लॉगिन करता हूं। अब टर्मिनल ओपन कीजिए और इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी में मूव करता हूं माय सॉल्यूशंस, इसका कंटेंट लिस्ट आउट करता हूं और यहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं mkdir डिफॉल्ट परमिशंस, ये सबमिट, ठीक है। और उसके बाद इस डायरेक्टरी में मूव करता हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यूमास वैल्यू चेक कर लेता हूं रूट यूजर की। तो देखिए यहां पर 0022 परमिशन वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जो कि रूट यूजर अकाउंट के लिए यूमास वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं mkdir dir1, ठीक है, और एक फाइल क्रिएट करता हूं touch abc root.txt lshfnl। देख लीजिए फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन हुई है रीड एंड राइट यानी 6 रीड ओनली और रीड ओनली यानी 644, ठीक है। जब भी रूट यूजर अकाउंट के द्वारा कोई फाइल क्रिएट की जाती है तो किसी फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन होती है 644 यानी रीड राइट, ओनर के लिए रीड एंड राइट और ग्रुप और अदर यूजर्स के लिए रीड ओनली की परमिशंस, ठीक है। उसी तरह डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन होती है 755 यानी जब भी कोई रूट यूजर अकाउंट कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन सेट होती है 755 यानी ओनर को फुल परमिशन एंड रीड राइट एंड एग्जीक्यूट और ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट और अदर यूजर्स को भी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन, ठीक है। अब मैं नॉन रूट यूजर्स अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी करके इसकी होम डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, इसकी परमानेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं और कंटेंट लिस्ट आउट कर दीजिए एलएस अपन एल कमांड की सहायता से। और यहां पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं mkdir डिफॉल्ट परमिशंस, उसके अंदर मूव करता हूं और इसके अंदर सबसे पहले इसकी यूमास वैल्यू हम चेक कर लेते हैं नॉन यूजर अकाउंट की। तो देखिए यहाँ पे इसकी यूमास वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 0002, ठीक है। अब मैं इसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले mkdir dir1 और उसके बाद एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता हूँ टच कमांड की सहायता से abc.txt, ठीक है। अब lshfnl करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर abc.txt फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन हुई है rw और r यानी 664 एंड जब भी कोई नॉन रूट यूजर अकाउंट कोई फाइल क्रिएट करता है तो उस फाइल पर डिफॉल्ट परमिशन सेट होती है 664 यानी ओनर और ग्रुप को रीड एंड राइट परमिशन और अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन उस फाइल पर, ठीक है। उसी तरह डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन असाइन होती है 775 यानी ओनर और ग्रुप को फुल परमिशन यानी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट और अदर यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होती है डायरेक्टरी पर। यानी जब भी कोई नॉन रूट अकाउंट अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता है तब उस डायरेक्टरी पर डिफॉल्ट परमिशन सेट होती है 775। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल और डायरेक्टरी की डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।